भाई है बेवकूफ, आज तो देखा ही नहीं मैंने आज तक। PREFF, ये सही में प्रेस है कि ये दबाने वाला प्रेस है? कौन से प्रेस से हो? अरे नहीं हो प्रेस से तो अलग चलान कटेगा। जीजू, कौन है ये जी और जू? मेरे जीजा। पकड़े गए तो अपने साथ प्रेस कई बदनामी करती, तो 9 लोगों की जान जा चुकी है। 10वां बनना चाहते हो क्या? 1,71,000 की बाइक है भैया, वो हेलमेट खरीदेगा नया, समझे? तुम्हारा हेलमेट लेके नहीं घूमेगा वो। माता जी, बच्चे की भला के लिए कुछ बोलते नहीं हो कभी, तो स्टाइल के लायक नहीं बचोगे। बताओ सीए हो यार, तुम लोगों का ऑडिट करोगे, तुम्हारा तो भगवान ऑडिट कर देंगे तुम्हारा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा, एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 1-800-309-1616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपने बन का। नमस्कार दर्शकों, मैं सुरभि वर्मा और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज फिर एक बार दुर्ग SP अभिषेक पल्लव सड़क पर उतरे और जिन लोगों ने ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया उन्हें समझाइश दी। इस दौरान उन्हें एक पत्रकार का साला मिल जाता है जिसने हेलमेट नहीं लगाया होता है। जब SP ने पूछा कि हेलमेट क्यों नहीं लगाया तो बड़े ही घमंड से कहने लगा, मेरे जीजा की गाड़ी है और वे प्रेस में है। इसके बाद जो हुआ आइए आपको दिखाते हैं वीडियो में। साथ ही इस वीडियो में दिखाते हैं कि आज दुर्ग SP अभिषेक पल्लव ने किसको दी समझाई और किसकी लगाई क्लास। तो कॉलेज वालों को हेलमेट की जरूरत नहीं है क्या? अरे भैया एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा भगवान के कॉलेज में एडमिशन की जरूरत पड़ेगी उसके बाद, समझ रहे हो? रहोगे तो एडमिशन लोगे ना, चलिए हेलमेट लगाइए। दो तो माइक नीचे गिर गया इसका, पुलिस वाले से बोला दो बार टकरा चुके हो, दो बार गिर चुके हो, जीबी मेरा हो रखा है, जीबी ऐसे मोड़ दिया था, जीबी ले घूम रहे क्या, ले ऐसे मोड़ दिया था उसको। भाई हेलमेट तो नहीं है क्यों भाई? कोई छूट छूट प्राप्त इंसान हो क्या? नहीं, इतनी महंगी गाड़ी खरीदते हो, हेलमेट खरीदे भी हो? है सर। कहाँ? पहने नहीं है। है कहाँ? हेलमेट तो घर ही में सर। घर कहाँ? दुर्ग सर। आप कहाँ से रहे हो? रायपुर। मतलब रायपुर गए भी बिना हेलमेट के? तभी तो बिना हेलमेट के आ रहे हो। नहीं तो गाड़ी लेने गए थे बस में, गलती तो है सर, क्या गलती तो हमारी, गलती तो किए हैं। चलो भाई आगे जी सर, सीधा कर ले भाई, बात किनारे का पले। कभी नहीं लगाए, आदत ही नहीं है, लगाना ही नहीं आता। अभी पूछ रहे हो कैसे लगाना है, क्या काम करते हो? बिलासपुर कलेक्ट्रेट में हो, बताओ। सरकारी मुलाजिम हो के कोई नियम का पालन नहीं करते हो तो और गलत है। बिलासपुर में जो होती बिलासपुर भगवान अलग है क्या? वहाँ पे कोई एक्सीडेंट नहीं होता? सुने जना, बिलासपुर में एक्सीडेंट ही नहीं होता है। अरे भैया जान अपनी है, पुलिस तो अलग अलग है, हो सकती है। ठीक है चलिए। फिर से हिट हो गए। हेलमेट कहाँ है भाई? क्या मालूम नहीं था कि SPR चेकिंग क्या है? साड़ी है इनका।
रुक जाओ, कहाँ भागोगे? भाग के करो। चाचा हेलमेट कहाँ है? तो हेलमेट की कोई जरूरत नहीं है आप लोग को? सॉरी सर। चलिए हेलमेट कहाँ है भाई? ये आया, ये क्या है? इंस्टीट्यूट है सर। तो इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हो तो और ज्यादा जरूरत है, तुमको नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, सभी हेलमेट वाले चश्मा पहनते हो, हेलमेट नहीं पहनते हो? पगड़ी में हेलमेट नहीं लगता। अरे भाई, पगड़ी का भी हेलमेट आता है, मॉडिफाइड हेलमेट। वो जो पूरी पगड़ी पहने उसे पहन सकते हो, सुरक्षा अपनी है। ठीक है, चलो। ये क्या है, फौजी वाला कपड़ा पहने हुए हो और हेलमेट? हाँ, गलती हो गई। गलती इतने दिनों से समझा रहे हैं, फिर भी समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को। हाँ, अपनी जान खतरे में डाल रहे हो ना। जबरा पड़ा, पता है आपको ब्लैक स्पॉट है, यहाँ 9 लोगों की जान जा चुकी है। दसवां बनना चाहते हो क्या? हाँ, चलो देखो, हाई फाई बाइक खरीदे हो। कितने की लिए हो बाइक? 1,71,000 की बाइक है। और हेलमेट कितने की है? वो भिलाईती में लड़का लेके बैठा है, मेरा हेलमेट लेके वही गया, वहीं जा रहा हूँ। अरे भैया, मोबाइल रखे हो? मोबाइल रखा। मोबाइल तो कभी किसी लड़के को देते नहीं हो? अरे नहीं, मोबाइल तो हमेशा पास में रहता है। और हेलमेट लड़के को दे दिए? अरे सर, वो अपने बाइक से कहीं गया था ना, एक ही हेलमेट था जो बाइक के साथ लिया था। भैया वो हेलमेट खरीदेगा नया, समझे? हेलमेट लेके नहीं घूमेगा वो। खरीद लेना चाहते हो, वही लेने जा रहा हूँ। 2,00,000 की बाइक रखते हो, बिना हेलमेट के रहते हो? चलो, कितने बोल रहे हो? नमस्ते तो अच्छी बात है, शिष्टाचार में आता है, लेकिन हेलमेट तो सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, लगाऊंगा सर। आज तक भी लगाए हो? लगाया। कब लगाए हो पिछली बार? सर एक बार याद ही नहीं होगा, बचपन में लगाए नहीं होगे। नाबालिग तो कभी चला नहीं सकते हैं, बालिग होने के बाद लगाए नहीं होगे कभी। आप कौन है? आप कौन है? माता जी, बच्चे की भला के लिए कुछ बोलते नहीं हो कभी? लगाते हैं। हाँ, मतलब रायपुर से आ रहे हैं। तो रायपुर में क्या, रायपुर में लगाने का नहीं है सिस्टम? क्या चीज़, अजीब आदमी हो। लगाएंगे सर। चलो, बाल तो बहुत स्टाइलिश है, अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं पहनोगे ना तो स्टाइल के लायक नहीं बचोगे। क्या सोचे हो, कभी लगाया हो आज तक हेलमेट? कौन से रंग का है तुम्हारा हेलमेट? यही नहीं है सर। लिए ही नहीं हो? अरे देखो कितना घमंड के साथ बोल रहे हैं, लिए ही नहीं है। और कब से चला रहे हो ये स्कूटी? 4 साल हो गया। ये जनाब 4 साल तक बिना हेलमेट खरीदे, केवल अपने हेयर कट के भरोसे गाड़ी चला रहे हैं। ये बाल मदद नहीं करेगा, आज हेलमेट खरीदेंगे जाके जनाब। ठीक है, चलिए। ये देखो, तो ये यूज नहीं कर रहा। ये यूज नहीं कर रहे हो, दिखाने के लिए रखे हो। और जो ये यूज करनी थी वो कहाँ है हेलमेट? हाँ, भूल गया सर, बाकी टाइम हमेशा यूज करता हूँ। मतलब बाकी टाइम यूज करते हो, मेरे सामने आते हो तो उड़ा देते हो हेलमेट, ऐसा नहीं, क्या? नहीं नहीं सर, ऐसा। ये तो पूरे टाइम यूज करते हो, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है तुम्हें? नहीं सर, ये बंद है, पूरा बंद है। ये इसको रखे क्यों हो यहाँ पे? ये कोई स्टाइल स्टेटमेंट है क्या आजकल? गाड़ी चलाने के लिए इसकी जरूरत है? कहीं मोटर व्हीकल एक्ट में अमेंडमेंट हो गया है क्या कि गाड़ी चलाने के लिए ये रखना बहुत जरूरी है? जो चीज़ जरूरी है वो तो लगाते नहीं हो, जो गैर जरूरी है उसको लेके घूमते हो। ये कितने का खरीदा? 1500 का तुम ईयरफोन खरीद सकते हो, और 500 रुपये का हेलमेट नहीं खरीद सकते? सर है सर, हेलमेट है, यूज करता हूँ सर, आज इमरजेंसी था करके। तो इमरजेंसी में तो और पहनना चाहिए, इमरजेंसी में तो आदमी तेज गाड़ी चलाएगा, तो और ज़्यादा जरूरत है उसकी। सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम देने। चलिए, क्या काम करते हो? सर स्टूडेंट। कहाँ पे? भिलाई। कहाँ पे? भिलाई में। ABS फाउंडेशन, CC, सिविक सेंटर। सिविक सेंटर में क्या, कौन सा कोर्स कर रहे हो? CA का। बताओ, CA हो यार,
तुम लोगों का ऑडिट करोगे, तुम्हारा तो भगवान ऑडिट कर देंगे तुम्हारा। हाँ, तुम लोगों का क्या बही खाता बनाओगे, तुम्हारा ही खाता नहीं बचेगा ऊपर लगाए। अरे भाई, इतना स्टाइलिश गाड़ी में घूम रहे हैं जनाब, क्या बताऊं मैं। कितने की लिए रॉयल एनफील्ड? 1,80,000 की बाइक ली आपने, साथ में इतने सारे पार्ट्स भी लगाए होंगे, स्पेयर पार्ट्स, एक हेलमेट भी खरीद लेते हैं जी सर। है सर। है कहाँ पे सर? घर में, बिलासपुर में। बिलासपुर में हो तो यहाँ एग्जाम देने आए थे सर। कौन सा एग्जाम? जी पैड का बहना सर। सोचो, जी पैड का एग्जाम, बाइक से आप आए हो बिलासपुर से, कितना किलोमीटर है बिलासपुर से भिलाई? 150 किलोमीटर आए हो, फिर 150 किलोमीटर हाईवे में जाओगे, 300 किलोमीटर। जब आदमी इतना लंबा जर्नी पे निकलेगा तब तो हेलमेट की और आवश्यकता। पीछे कौन बैठी है महात्मा? मैडम, आपके भाई साहब को आपने हेलमेट की कभी सलाह नहीं दी आपने? 300 किलोमीटर एग्जाम दिलवाने ले आई साथ में, आपने ये नहीं कहा रोड पे खतरा हो सकता है? एक तो इतना लंबा ट्रैवल बाइक पे करना नहीं चाहिए। चलो कर रहे हो कोई बात नहीं, कम से कम हेलमेट तो लगाओगे जी सर। आगे ध्यान रखें, आगे से ध्यान रखें, ठीक है। गाड़ी का नंबर का बिलासपुर का है कि बताओ, इतना दूर दूर से लोग आते हैं। चले ठीक है, चश्मा नहीं बचाएगा बता रहा हूँ, हेलमेट बचाएगा। हेलमेट कहाँ है भाई? तुम्हारी भी नई बाइक लग रही है, कितने का लिया? ये 1,05,000 की बाइक लिए। हेलमेट इतना जल्दी कैसे टूट गया? कब खरीदे हो बाइक? ये साल में तो तैयार है। तो एक साल के अंदर तो हेलमेट टूट गया, किसको बेवकूफ बना रहे हो? सब बेवकूफ। हेलमेट कैसे टूटेगा एक साल के अंदर? या तो गिरे होगा तो टूटा होगा सर। वही है, गिरा तो गिरे उसका मतलब और खराब चलाते हो, तो गिर गया टूट गया तब तो और जरूरी है कि हेलमेट खरीदते। इतने गैर जिम्मेदार आदमी हो तुम, क्या काम करते हो? मैं पापा की दुकान। पापा का दुकान चलाते हो? ये आप तुम्हारा है पापा का है? मेरा तुम्हारा है तो खुद खरीद लिए हो, तो कम से कम हेलमेट भी खरीदा करो, ठीक है। चलो अगली बार दिखना नहीं चाहिए मुझे बिना हेलमेट के। यस सर। खोलो खोलो, अंदर है हेलमेट जी सर। ये क्या कोई संपत्ति है क्या? इसको छिपा के रखे हो? बिल्कुल तहखाने में रखे हो? नहीं सर। ये तहखाने में रखने की चीज है? नहीं सर, पहनने की चीज। तुम्हारे यहाँ बेवकूफ आज देखा ही नहीं मैंने आज तक। नहीं सर, वो जल्दी में मैं इसलिए नहीं पहना सर, गलती हो गई सर, सॉरी सर, आइंदा से ध्यान रखूँ। पहने अभी पहने जी सर। और अपील भी करें लोगों से कि हेलमेट पहने जी सर। बोलो बोलो, आप सभी जब भी गाड़ी चलाएं हेलमेट पहन के चलाएं, हेलमेट को ऐसे लिखिए बना रहे चले। अरे PREFF, ये सही में प्रेस है कि ये दबाने वाला प्रेस है? हाँ, कौन से प्रेस से हो? अरे आवाज ही बंद हो गई है, मैडम बताएंगे महात्मा। मैडम, ये कौन से प्रेस से हो आप लोग? अरे नहीं हो प्रेस से तो अलग चलान कटेगा, क्योंकि ये लिख के चलना भी गलत है, जो प्रेस की विश्वसनीयता है वो भी खत्म कर रहे हो आप लोग। ऐसे प्रेस लिख के चलना अलाउड है क्या? नहीं सर, तो पास बनता है, जो ऑथराइज्ड है वो ही ले सकता है। तो तुम्हारा कौन सा पास है दिखाओ जरा? हमारे पास में जीजू के पास है। किसका? जीजू। कौन है ये जी और जू? मेरे जीजा। जीजा, क्या नाम है उनका? हसमत आलम। तो किस अखबार के साथ है वो? भिलाई तक। भिलाई तक जी। तो भाई भिलाई तक जब इस्तेमाल करेंगे तभी ये प्रेस लगा के घूमना है, ठीक है। तो रायपुर जा रहे हो भिलाई तक से? भिलाई तीन सिरसा गेट में रहते। सिरसा गेट में रहते हो। गाड़ी किसकी है? वही जीजू की है। जीजू की गाड़ी है, जीजू की गाड़ी लेके निकले हो जी। और हेलमेट लगाना अलाउड है? जीजू को भी हेलमेट लगाना है, समझ में आ रही है बात? और जिसको गाड़ी देंगे उसको भी लगाना है। तो पुलिस हो प्रेस हो सभी को ट्रैफिक नियम का पालन करना है, ठीक है। उल्टे इसको लगाने से और बदनामी है, कोई नाम नहीं है। इसको लगाने से क्या फ़ायदा है बताओ? कोई फायदा नहीं है। पकड़े गए तो अपने साथ प्रेस कई बदनामी कर दी तुमने।
और लगाए अगली बार से, ठीक है। चलिए जीजू को बताइएगा, एसपी साहब बोले हेलमेट सबके लिए जरूरी है। चले हाँ, हेलमेट खरीदे हो? कहाँ है? भिलाई 3 तक जाना था। तो भिलाई 3 का तो छूट है क्या? भिलाई 3 कोई अलग कानून से नहीं चलता भाई? थोड़ा जाना था इसलिए नहीं लेके। हाँ, थोड़ा जाना था इसलिए नहीं लेके। थोड़ा जाने में ना परमानेंट चले जाओगे। चलिए लगाएं। कहाँ जा रहे हो? रायपुर जाने के लिए हेलमेट भी चाहिए। ट्रैफिक नियम का कोई पालन तो करते नहीं हो? का दो चश्मा रखे हो, हेलमेट तो एक रख लेते। और मैडम आप कौन है? लड़की है मेरी। लड़की है, बिटिया है? बिटिया आपको पापा को समझाना चाहिए पापा हेलमेट पहने। हाँ, आप हेलमेट पहनते हो नहीं पहनते? आप भी पहनो, पापा को भी समझाओ। चलिए, ये तो टेढ़ा हो गया। तो गिरे हो क्या कभी? नहीं नहीं गिरे नहीं, वो बच्चों तो कर। हाँ बच्चों तो वो कर दिया। नमस्ते नमस्ते। हेलमेट का नियम है आपको पता है? कब से अवेयरनेस फैला रहे हैं हम लोग, लेकिन आप लोग तो अवेयर हो ही नहीं पा रहे हो। आप लोग को कौन सी भाषा समझते हो? हिंदी नहीं समझते? क्या इंग्लिश वाले लोग हो क्या आप लोग? हम कहाँ इंग्लिश, हिंदी वाले। हाँ, हिंदी में कब से समझा रहा हूँ कि हेलमेट पहना करें, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा आप लोगों को। वहाँ पता है 9 लोग मर चुके हैं डबरापारा में सामने एक्सीडेंट में। नहीं सर, नहीं। पता है, पहना करो यार। जी जी, चलिए शुक्रिया। देखो रॉन्ग साइड आ रहा है बिना हेलमेट के, क्या लोग हैं ये लोग। कहाँ है हेलमेट? हेलमेट? हाँ, कहाँ से आ रहे हो? तुम्हारी भाई तो नियम क्या, कौन सी भाषा में समझेंगे आप लोग समझाने से? हिंदी में सर। हाँ पहन लेंगे पहने जी। जनाब कहाँ है हेलमेट? क्या काम करते हो? इतने इतनी चाबियाँ रखे हो? जी सर अभी ले लेते। संभालने वाला कोई नहीं बचेगा? नहीं नहीं अभी ले लेते हैं। चलिए। अरे भाई ये किसका सिंबल है? ये क्या है? महादेव। भैया महादेव भी बोलते हैं, सुरक्षा को पालन करना है। हाँ भगवान उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। क्यों नहीं लगाते हो हेलमेट? भूल गया। हाँ भूल गया, भूल गया। भूल गए? मोबाइल रखे हो? मोबाइल तो कभी नहीं भूलते। मोबाइल कहीं सुरक्षा नहीं करेगा, सुरक्षा करेगी हेलमेट। लगाएं, चलिए। अरे भाई ये देखो, ये क्या है? सीधा कान के अंदर। जनाब एक तो हेलमेट नहीं पहनते हो, गाने सुनते हुए चलाते हो। नहीं गाना नहीं सुना क्या? फोन ये कान में लगाने के लिए रखे हो? फोन के लिए? फोन उतर के बात करना होता है, चलाती की चलती गाड़ी में बात नहीं करना होता? जी सर। कोई नियम नहीं फॉलो करते हो? काले कपड़े, काले चश्मा, काले बाल, लेकिन हेलमेट काले नहीं है। हेलमेट तो है ही नहीं, तो काले और गोरे क्या? लगाओ हेलमेट, चलो। कभी आप लोग क्या बोलूं भाई, कितने का बाइक लिए हो? 1,45,000 की बाइक लिए हो यार, तो हेलमेट भी खरीद लो। कब लगाओगे? हाँ अगली बार लगा देंगे यार। कितना समझाता हूँ यार, समझ ही नहीं आता आप लोग को। अब चाहते हो घर में नोटिस चस्पा करूँ? अब मैं पता क्या करूँगा, मैं बता रहा हूँ। अब जो मुझे बिना हेलमेट के दिखेगा उसका एक नोटिस लेके उसके घर में चस्पा करूँगा, जिससे कि घर वाले वो मरे तो फिर आए नहीं हमारे पास कि घर वो मर गया हमारा आदमी। समझाता हूँ यार, समझते नहीं। चले क्या हुआ भाई?
धूप से बचने के लिए इतना प्रोटेक्शन, फसल को बचाने के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं, गलत बात है ना यार। चलिए सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक,